नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट संवाद। इस समय उत्तर प्रदेश की झांसी पुलिस ने बीते रोज पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले आरोपी रिटायर्ड सैन्य कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में अधिकारियों ने बताया, जो नामजद अभियुक्त था श्याम सुंदर, जिसके द्वारा PRV 0369 झांसी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक होमगार्ड और एक कांस्टेबल गए थे और वो बाल बाल बच गए थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था। सर्विलांस फौजी और थाने की 2 टीमें थी, संयुक्त प्रयास से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे DVBL गन और 10 कारतूस बरामद हुए हैं। एक खोखा कारतूस कल मौके से बरामद हुआ था, उसके विरुद्ध पहले से ही धारा 307 IPC का अभियोग पंजीकृत है। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग और पंजीकृत करके उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि ये लाइसेंस उसने जम्मू एंड कश्मीर से लिया था, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड, उसको कैंसिलेशन के लिए भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं।